आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 19 अक्टूबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो आपका हिंदी का पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास हिंदी का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। चाहे आप आर्ट्स लिए होंगे, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप आज के 19 अक्टूबर के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका सेमी पेपर है आपका तीनों स्ट्रीम के छात्र छात्रों के लिए। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया और इसका उत्तर क्या होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, समय की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव अलग सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का उत्तर मैं बता दिया था, तो अभी की इस वीडियो में हम लोग आपको सब्जेक्टिव का उत्तर बताएंगे और उसके साथ साथ इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सीखेंगे। सेक्शन ए में जो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखेंगे, अगर इसका वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अभी हम लोग सेक्शन बी में जो आपका देख पा रहे होंगे सब्जेक्टिव उत्तर, उसका उत्तर देखेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से प्रश्न की ओर चलते हैं और आगे आपको जल्दी से पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखा देते हैं। ये आपका क्लास 11th का हिंदी का सब्जेक्टिव का उत्तर अभी किस वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला है कि आपको प्रिय शिक्षक पर आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, तो मैं यहाँ पर निबंध लिख दिया गया हूँ। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, मैं आपके लिए यहाँ पर इतना निबंध लिखा हूँ। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से 4 प्रश्न का उत्तर दे, कविता का उद्देश्य क्या है, कल्पना किसे कहते हैं, लक्ष्मीबाई का आकार के बराबर दी। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, फिर आपका समय का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, नहीं तो अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखे। तो यहाँ पर आप क्लियर देखिए, इस प्रकार से लिख दिया गया आपके लिए। आपको भी इसका पीडीएफ मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको इसका भी पीडीएफ मिलेगा। तो जल्दी हमें आपको 4 नंबर प्रश्न का भी यहाँ पर उत्तर लिख कर लाया गया और 5 नंबर में जो प्रश्न था कि प्रसंग व्याख्या करें इसका भी, नहीं तो आपको ये उत्तर लिख सकते हैं आपका ऊपर वाला ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, दोनों उत्तर आपका सेम ही है, आपको जो आसानी लगे। 1 नंबर प्रश्न का उत्तर, फिर आपका यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके लिए लिखा गया है। दोनों प्रश्न सेम ही है, अर्थात कि दोनों के आंसर सेम ही है। आपको जो आसानी लगे, मैं आपको 2-2 सोल्यूशन कर दिए हैं, एक क्वेश्चन का 2-2 आंसर निकाल दिए गए। तो यहाँ पर फिर आपका 3 नंबर प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर सोल्यूशन किया गया, फिर आपका 4 नंबर प्रश्न का उत्तर सोल्यूशन किया गया, फिर आपका 5 नंबर। तो ये आपका एक लघुते टाइप का जो प्रश्न रहता है, अर्थात कि 10 प्रश्न दिया रहता है जिनमें से किन्हीं 5 का उत्तर देना है, तो यहाँ तक आप 5 का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर देखिए, 5 के बाद यहाँ पर आपका 4 और 5, ये आपका चौथा है और ये आपका 5वां है, तो ये आपका 5 तक का उत्तर है। फिर आपका 3 नंबर में जो आपका प्रश्न है जिसमें बताया गया है कि आपको आवेदन पत्र लिखे 2 दिन का अवकाश छोटी के लिए, तो यहाँ पर भी लिखा गया है। और उसके बाद आपका ये 4 नंबर प्रश्न का शीर्षक साहित्य तथा ज्ञान संचरण करे, तो यहाँ पर कर दिया गया। फिर 5 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख दिया गया। तो इसी प्रकार से आपको इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको जल्दी से आपको अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें इस पर व्हाट्सअप करेंगे, तब आपको मैं जल्दी से इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो जल्दी से आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए और उसके साथ साथ इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं आपको जल्दी से इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उसके साथ साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ का भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। ये आपका क्लास 11th का मैंने आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर इस चैनल पर बता दिया हूँ। अगर आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा और उसके साथ साथ पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर एक ही पीडीएफ में रहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसी प्रकार से आपको। तो जल्दी से आइए, एक आपको नंबर दे दिया गया था उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना है, जैसे ही आपका आगे जितना भी पेपर आपका एग्जाम में होंगे सभी पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।